एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर देशभर में हंगामा देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में भी कांग्रेस नेताओं का हंगामा है। राजभवन के सामने कांग्रेस नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो चुका है, यानी कि कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा को कब कादरी पहुंचे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सभी लगातार विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी का अगर हम जिक्र करें, ईडी से उनकी जो पूछताछ है, ईडी ने राहुल गांधी से लगभग 3 दिनों तक पूछताछ की है। शुक्रवार को भी उनको पेश होना है। सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के फेवर में आके उनके समर्थन में जो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और यही वजह है कि राहुल गांधी निर्दोष है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती है। पटना का अगर हम जिक्र करें, पटना में भी लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, पटना की तस्वीरें क्या कह रही है, चूंकि बड़े बड़े नेता भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत करिए, जानने की कोशिश कीजिए कि उनका क्या कहना है। राजभवन का घेराव जिसका आह्वान किया गया था, राहुल गांधी जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, अभी राजभवन के सामने ही कांग्रेस की जो है वो दिग्गज नेता सब मौजूद है, आप देख सकते हैं। सर, लगातार 3 दिन जो है राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, फिर एक बार पूछताछ होनी है, आप लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या हो रहा है? देखिए, जिस तरह से हमारे सम्माननीय नेता राहुल गांधी जी के साथ व्यवहार किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूछताछ होती है, लेकिन जिस तरह से 10-10 घंटा टॉर्चर किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये एकमात्र हम लोग को तो है ही, पार्टी वाले अन्य विरोधी दल को भी यह चेतावनी दे रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपके साथ भी कर सकते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में घुस करके कल हमारे सम्माननीय नेताओं को पीटा गया, उनको बेइज्जत किया गया, हम समझते हैं ये लोकतंत्र के इतिहास में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। सर, ये पूछताछ तो एक सामान्य प्रक्रिया है ना, अगर कोई धांधली के आरोप लगते हैं तो पूछताछ तो होगी ना, इसमें क्या दिक्कत है? ये बहुत पुरानी केस है और जिस तरह से पूछताछ, एक घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 30 घंटा पूछताछ हो चुका है। आज देश पर राष्ट्रपति का चुनाव मंडरा रहा है और उसमें सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि विरोधी दल के लोगों को डरा करके, धमका करके, किसी तरह से अपना काम उल्लू सीधा करें। तो ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो है लगातार जो है कांग्रेस के जो नेता है वो जो है सड़कों पर उतर आए हैं और राजभवन के सामने जो है वो लगातार जो है प्रीति प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा आखिर जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये किस स्तर का विरोध है और किस तरह से ये विरोध हो रहा है। जी प्रीति, बिल्कुल प्रीतम, मैं चाहूंगी कैमरे को पैन करके आप दिखाइए कि फिलहाल कितनी संख्या में वहां पर जो कार्यकर्ता है वह जुटे हुए हैं और साथ ही कोई बड़ा नेता वहां पर शामिल हुआ है कांग्रेस का। हाँ जी बिल्कुल, ये आप देखिए, आप मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये जो है हमारे ये ठीक है, ये राजभवन है और राजभवन की जो ठीक सामने जो है या कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है, अभी उतनी संख्या नहीं है, जो अभी जो लगभग जो है वो हमें लगता है कि 200-250 के आसपास की संख्या होगी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर आए हैं। इसमें जो अजीत शर्मा है जो विधायक दल के जो नेता है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, बाकी जो विधायक है राजेश राम वो है, 2-3 विधायक पहुँचे, अभी तो सभी विधायक भी नहीं पहुँचे, हम सीधे बात कराएंगे। सर ये जो हो रहा है अजीत जी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? जी, ये तो जनता के हित में राहुल गांधी हमारे नेता को जो परेशान किया जा रहा है, जो केस आज 10 वर्ष पहले बंद हो गया जी, फिर से आप उसको परेशान कर रहे हैं, चूंकि आपको डर हो गया कि सत्ता से उखाड़ फेंकेगी जनता। कांग्रेस के वर्कर इसको बिल्कुल बुरा मान रहे हैं, कहे अगर जांच कराना है तो नोटबंदी का जांच कराई ना, जो कि बहुत बड़ा क्राइम है, इसलिए ये जनता और कांग्रेस वर्कर मिलके आपको माफ नहीं करेगा, आपको गद्दी से 2024 से उखाड़ फेंकेगा, उनके डर से हम लोग को परेशान कर रहे हैं। तो साफ तौर से जो कांग्रेस की, मैं आपके पास लौटूंगी, रांची से हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कहीं ना कहीं सरकार ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश है, इस एंगल से हम इसे ले या फिर हम ये कहे प्रोटेस्ट के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जो कांग्रेस है वो निकल कर उभर कर सामने आ रही है? देखिए प्रीति, बेहद ही दिलचस्प है, जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है,
आप देखिए कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि वैसे वैसे कांग्रेस को देश भर के में जो है सांगठनिक रूप से मजबूत करने का एक मौका मिल रहा है। कई कांग्रेस के नेताओं से हम लोगों की बात हुई, उनका ये कहना है कि ये एक लाइफ लाइन की तरह है हमारे लिए। आप देखिए जो बरसों से कांग्रेस के नेता सोए हुए थे वो एक बार फिर से जागे हैं और संगठन जो है आपको सड़कों पर दिख रहा है। और इस पूरे तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर रांची की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बापू वाटिका के ठीक सामने का हमका से एरिया है जहाँ पर कांग्रेस के नेताओं का जुटान यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर के बाद जो सरकार में जो मंत्री लोग हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सब भी मौजूद है, उनसे एक कमेंट ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा, आप देखिए यहाँ पर ना डरे हैं ना डरेंगे, हम लड़े थे हम लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई संवैधानिक संस्था अगर अपने काम कर रही है, अगर किसी करप्शन के मामले में पूछताछ कर रही है, तो कांग्रेस में इतनी बेचैनी क्यों है राजीव? देखिए कांग्रेस में बेचैनी नहीं है, बेचैनी भाजपाइयों में है। और जिस प्रकार से जो संवैधानिक संस्था है उसका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस का विरोध वही है। ये लोकतंत्र है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को अपनी बात रखने की आजादी है। हमारे कार्यालय में हमारे नेताओं को हमारे कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा दिल्ली में, क्या आप इसको क्या कहेंगे? आ रहा हूँ आपके पास प्रीति को कि हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर क्या नौबत आ गई कि आज कांग्रेस को राजभवन मार्च करना पड़ रहा है और उससे पहले तीन दिनों तक दिल्ली से लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट। देखिए जो सरकार का केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है, आपने देखा होगा कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, रोज 10 घंटे बुला के पूछते हैं, इतना सा सवाल इतना लंबी बातचीत, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। लेकिन इस बीच जो ईडी सोर्सेस से जो खबरें आ रही है आप पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहेंगे, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो जवाब लिख रहे हैं वो अपने ही जवाब को लिखते हैं फिर मिटाते हैं फिर लिखते हैं। अब आप लोग तो सूत्रों के हवाले और मुखबिरों के हवाले से बात करते हैं, आप लोगों को अगर कोई ईडी ने नहीं जिसको भी ईडी ने कोई आधिकारिक बयान दिया, आज तक ईडी ने यहाँ आधिकारिक बयान दिया, कहीं आधिकारिक बयान नहीं देती है ईडी। आप 25 करोड़ चला रहे थे और 19 करोड़ रुपए मिले, 6 करोड़ कहाँ गया? ईडी बताए अथवा ईडी खंडन करे कि अखबारों ने और टीवी ने गलत चलाया। तो हम समझते हैं सभी चीज सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से नहीं चलती है, ये बताना पड़ेगा। ये जानबूझ के अगर इस तरह की खबरें चलवाई जा रही है तो ये जानबूझ करके हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सवाल लिखते हैं मिटाते हैं। ईडी का काम क्या यही है कि वो सवाल लिखने और मिटाने के लिए बैठी हुई है? तो ईडी को हाथ खड़े कर देने चाहिए कि हम नहीं पूछ पा रहे हैं, पूछने का जो भी तरीका आप अपनाइए। लेकिन इस बीच राजेश जी को कि आज आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है राजभवन मार्च का देशव्यापी प्रदर्शन है आप लोगों का, बीजेपी का इस पर रिएक्शन आया है, आपके बगल में ही रहते हैं सीपी सिंह जो कि विधायक भी है, सरकार में पिछली सरकार में मंत्री भी थे, वो ये कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर। देखिए सीपी सिंह जी की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, आप लोग लगातार बयान लेते हैं, आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? आप गंभीरता से लेते तो उनकी बातों पर कुछ कहते, लेकिन आप लोग सिर्फ उनकी जानते हैं कि वो बचकानी बातें करते रहते हैं, इसलिए आप उनको आगे करके सवाल पूछ लेते हैं, उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटेस्ट कितना आगे चलेगा, क्या आप इस पूरे जो प्रकरण है राहुल गांधी से जो ईडी की पूछताछ हो रही है क्योंकि अब सोनिया गांधी से भी होगा, इस पूरे प्रकरण को आप लोग किस तरह से देख रहे हो? देखिए मुझे जो लगता है आप पूछ रहे थे कि सीपी सिंह जी ने ये कहा है, तो सीपी सिंह जी बता रहे हैं कि सब चोर आज सत्ता में हैं, दिल्ली में बैठे हैं, क्योंकि वो लोग शोर ज्यादा मचाते थे, उनकी स्मृति ईरानी, उनके अमित शाह आदि आदि जितने जो सोकॉल्ड सीपी सिंह जी के कथनानुसार के चोर हैं, तभी तो शोर मचाते थे, आज सिपाही हो गए। तो हमें लगता है ये आंदोलन को चोर और सिपाही के खेल में नहीं बदलना चाहिए, आंदोलन आंदोलन होता है, उसका सम्मान करना चाहिए तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को। अब ये आप लोगों का आज का प्रोटेस्ट क्या है और क्या कुछ आज आप लोग? देखिए हम लोग महात्मा गांधी के वंशज हैं, हम नाथूराम गोडसे के वंशज नहीं हैं, हम शांति से अपना प्रदर्शन करेंगे और महामहिम को ये बताना चाहेंगे कि महामहिम जी आप केंद्र के गृह मंत्रालय तक ये हमारी बात पहुंचाइए और बताइए कि
कि शासन और सत्ता ऐसे नहीं चलता है और दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो गलत है। बिल्कुल मनीष, और सीधे तौर पर जो प्रोटेस्ट है उसके जरिए कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस का हम कह सकते हैं दिखाने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए, साथ ही प्रीतम आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, राहुल गांधी के समर्थन में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल रुकते